जब हम बात करते हैं लेजेंडरी पोकेमोन की तो हम सभी को अच्छे से पता है कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। आखिर लेजेंडरी पोकेमोन के नाम से ही ये पता चल जाता है कि कितने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। भी नॉन लेजेंडरी पोकेमोन से कई ज़्यादा पावरफुल होते हैं एंड अगर लेजेंडरी पोकेमोन अपने पर आ जाए तो इन्हें सचमुच रोकना बहुत ही मुश्किल होता है और शायद ही कोई इन्हें रोक पाता है। इंसेनली लेजेंडरी पोकेमोन बहुत ही पावरफुल होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये बस मिथ है। पोकेमोन के अंदर भी हमें ये देखने को मिल चुका है कि अगर लेजेंडरी पोकेमोन अपने पर आ जाए और उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो सामने वाले की जान तक ले सकते हैं, वो भी बड़े आराम से। लेकिन आखिर लेजेंडरी पोकेमोन के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे होती है, तो इसी बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सो यस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो विद वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आखिर लेजेंडरी पोकेमोन इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे होते हैं, इसके ऊपर मैंने टोटल 3 थ्योरीज बनाई है। ऑब्वियसली इसके अलावा काफ़ी सारी थ्योरीज हो सकती है, बट अभी के लिए मैंने सिर्फ 3 थ्योरीज को इंक्लूड किया है। तो अगर बात करें पहले रीज़न की या थ्योरी की, तो पहला जो रीज़न है वो है बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होना। आई मीन पोकेमोन एनिमे के अंदर प्रोफेसर के पास भी बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होती है लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में, क्योंकि लेजेंडरी पोकेमोन एक तरह से बहुत ही रेयर होते और ये ज़्यादा अपीयर नहीं होते। एंड अगर लोक कथाओं की माने तो लेजेंडरी पोकेमोन तभी अपीयर होते हैं जब पोकेमोन की दुनिया में कोई मुसीबत आई हो या फिर कोई खतरा आ रहा हो, तभी लेजेंडरी पोकेमोन अपीयर होते हैं। हालांकि ज़्यादातर खतरे लेजेंडरी पोकेमोन की वजह से ही आते हैं, एक तरह से मान सकते हो कि लेजेंडरी पोकेमोन मनुष्यत लाते हैं, क्योंकि जब भी ये आते हैं तभी पोकेमोन वर्ल्ड के ऊपर कोई ना कोई खतरा मंडराता ही है। और पॉइंट की बात करें तो इतना कम अपीयर होने की वजह से ही प्रोफेसर और साइंटिस्ट के पास लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ, अगर कोई लेजेंडरी पोकेमोन तबाही मचाने पर आ जाए तो इनके पास उन कोई हथियार भी नहीं होता लेजेंडरी पोकेमोन के साथ डील करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि लेजेंडरी पोकेमोन की रियल पावर या असली ताकत क्या है और आखिरकार उनकी पावर की लिमिट क्या है। तो इसलिए अगर उनसे डील करने के लिए कोई हथियार बनाया भी जाए तो शायद ही वो सारे हथियार मिलकर लेजेंडरी पोकेमोन को हरा पाए। एनिमे में अगर बात करें सुपर विलेंस की, तो हमने एनिमे के अंदर देखा है कि सुपर विलेंस बहुत ही ईजिली कह सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए भी, पर किसी ना किसी तरह वो लेजेंडरी पोकेमोन को अपने कंट्रोल में ला पाते। पर आखिर ऐसा कैसे हो पाता है? तो गाइज, साइंटिस्ट यानी कि सुपर विलेंस जो होते हैं ना, वो बहुत पहले से उस पोकेमोन या लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपने वेपन्स या हथियार बनाते हैं, और उसी वजह से वो लोग लेजेंडरी पोकेमोन के ऊपर कह सकते हैं कि थोड़ा कंट्रोल ला पाते। हालांकि उसके फिर भी कुछ असर नहीं होता और लेजेंडरी पोकेमोन उन्हें भी मात दे देते, बट फिर भी उनके पास काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन होता है लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में। वरना अगर कोई भी हथियार बिना इन्फॉर्मेशन के बनाया जाए और बिना हथियार या प्लान के लेजेंडरी पोकेमोन के सामने भी विलेंस चले जाए ना, तो वो लोग तो बैन ही बजा देंगे उसके। मतलब एक तरह से कह सकते हैं लेजेंडरी पोकेमोन पूरी तरह से सुपर विलेंस की धोबी पछाड़ मार दे देंगे। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिना इन्फॉर्मेशन के किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन के खिलाफ लड़ना सुपर विलेंस के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। एंड ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इसे भी हम एक तरह से एक रीज़न मान सकते हैं कि हमें लेजेंडरी पोकेमोन की पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को उनके रियल पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता या फिर उनके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं होती। और ये एक तरह से कह सकते हो कि वरना अगर इनके पास सही इन्फॉर्मेशन होती, अगर साइंटिस्ट के पास इन्फॉर्मेशन होती, तो लेजेंडरी पोकेमोन इतने ताकतवर शायद नहीं होते, क्योंकि तब उन साइंटिस्ट के पास या वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब के पास लेजेंडरी पोकेमोन को कंट्रोल करने जितनी पावर या मशीन्स या हथियार होते, फिर शायद लेजेंडरी पोकेमोन उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं नज़र आते हमारे सामने। सेकेंड थ्योरी ये है कि लेजेंडरी पोकेमोन आर एग्जिस्टिंग बिगिनिंग,
ऑफ द पोकेमोन यूनिवर्स। मतलब एक तरह से लेजेंडरी पोकेमोन बहुत पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे, एंड अगर नॉन लेजेंडरी पोकेमोन और बाकी अदर्स पोकेमोन को देखे तो बहुत ही बाद में आए हैं। हालांकि ये उतना लॉजिकल नहीं लगता कि मतलब कोई भी मतलब कुछ भी मतलब जो पहले आएगा वही ज़्यादा पावरफुल होगा और जो बाद में आएगा वो कमज़ोर होगा, ये कैसी बात हुई। तो गाइज ये पोकेमोन वर्ल्ड है और यहाँ पर ऐसा ही होता है। आई मीन खुद ही देखो, ज़्यादातर वही पोकेमोन स्ट्रॉन्ग या बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो कि बहुत ही पहले आए हैं, लाइक डायलगा, पालकिया, गिराटीना। बट यहाँ पर फैक्ट ये है, मतलब लेजेंडरी पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हद से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पर उनके लिए भी उनसे ज़्यादा पुराने लेजेंडरी पोकेमोन को रोकना या हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है जो कि उनसे पहले आए हैं। और पहले आने की वजह से ही शुरू से ही लेजेंडरी पोकेमोन के पास एक अपर हैंड रहता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सब कुछ क्रिएट किया है, लाइक लाइट क्रियो जिनकी वजह से आज अलोरा रीजन एग्जिस्टेंस में है, वही वाटर ट्रियो के कारण होएन रीजन, ऑरा ट्रियो के कारण कालोस रीजन, क्रिएशन ट्रियो के कारण ऑलमोस्ट पूरा यूनिवर्स। और इतना पहले आने के कारण ही सब कुछ क्रिएट करने की वजह से ही उन्हें द गॉड लाइक क्रिएचर भी माना जाता है। और पोकेमोन वर्ल्ड में इतना पहले आने के कारण इन्हें एक तरह से इमॉर्टल भी माना जाता है। लाइक रक्विजा को ले लेते तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका जन्म ऑलमोस्ट बहुत सालों पहले हुआ है और अर्थ के एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण रक्विजा का जन्म हुआ है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि रक्विजा का जन्म ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन सालों पहले हुआ है और अभी रक्विजा का जो एज है वो ऑलमोस्ट कह सकते हो 4.6 बिलियन ईयर्स के ही आसपास होगा। तो इसके अकॉर्डिंग शायद ही इस पोकेमोन को यानी कि रक्विजा को माना जा सकता है, क्योंकि ये 4.6 बिलियन सालों से जी रहा है एंड इतने सालों का उसके पास एक्सपीरियंस और ऑब्वियसली इतने सालों की वजह से उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड अगर बात करें क्रिएशन ट्रियो की तो पता नहीं वो कितने सालों से जी रहे हैं, मतलब वो तो बहुत सालों पहले आए हैं एंड इतने सालों से जी रहे एंड शायद इसी वजह से आरसीएस को भी पोकेमोन वर्ल्ड का भगवान या गॉड भी माना जाता है, क्योंकि आरसीएस को ही पहला पोकेमोन माना जाता है पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर। तो एक तरह से ये रीज़न भी मान सकते हो कि लेजेंडरी पोकेमोन नॉर्मल पोकेमोन के कंपेयर में बहुत पुराने हैं और इसी वजह से वो इतने ज़्यादा पावरफुल भी है। तो इतना पहले आने की वजह से और इतना पुराना पोकेमोन होने की वजह से ही तुम लोग मान सकते हो कि ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से लेजेंडरी पोकेमोन नॉर्मल पोकेमोन के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मैं यहाँ पर म्यूटू की बात नहीं कर रहा हूँ, म्यूटू की बात अलग है। आप लोगों के माइंड में म्यूटू के बारे में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि कुछ सालों पहले उसका जन्म हुआ है, फिर वो इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि म्यूटू को ऐसे बनाया ही गया था ताकि बनाया उसे ऐसे गया था कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, जन्म से ही वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। एंड नाउ फाइनली अगर हम बात करें आखिरी थ्योरी के बारे में तो यहाँ पर आती है मिस्टीरियस पावर, और कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑब्वियसली क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक लेजेंडरी पोकेमोन के पास अपनी एक ना एक मिस्टीरियस पावर रहती है जिसे कि हम माइटी पावर भी कह सकते हैं। जैसे कि रक्विजा के पास है वाटर एलिमेंट की पावर, वहीं पर ज़ाइगार्ड के पास है पूरे इकोसिस्टम की पावर, डायलगा के पास है टाइम की पावर, पालकिया के पास है स्पेस की पावर। ऐसे ही करके देखा जाए तो हर एक लेजेंडरी पोकेमोन के पास अपनी अपनी माइटी पावर्स रहती है। वही अगर हम बाकी पोकेमोन्स को देखें तो उनके पास कोई भी माइटी पावर नहीं रहती है, उनके पास सिर्फ कुछ नॉर्मल मूव्स रहती है या फिर कुछ नॉर्मल या पावरफुल फिनोमिना। वेल बैक टू द पॉइंट, मिस्टीरियस पावर एक तरह से लेजेंडरी पोकेमोन की पहचान होती है और इन माइटी पावर्स या फिर अलग अलग मिस्टीरियस पावर की वजह से ही लेजेंडरी पोकेमोन ऑलमोस्ट किसी भी पोकेमोन को ओवरपावर कर सकते हैं। और अगर एक सेकेंड के लिए हम मिथिकल पोकेमोन को साइड कर लेते तो लेजेंडरी पोकेमोन ही ऐसे पोकेमोन हैं जिनके पास अलग ही लेवल की मिस्टीरियस पावर होती है, और मिस्टीरियस पावर सी है जो कि लेजेंडरी पोकेमोन को बाकी पोकेमोन से अलग और हद से ज़्यादा इन्हें पावरफुल बनाती है। और इसी तरह से अगर लेजेंडरी पोकेमोन अपनी मिस्टीरियस पावर्स भी इस्तेमाल करने लगे तो डेफिनेटली दे आर बियॉन्ड द लिमिट। तो गाइस यही थे तीन ऐसे थ्योरी से जिनकी वजह से शायद इन्हीं रीज़न की वजह से लेजेंडरी पोकेमोन इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं।
वेल इसके अलावा भी बहुत सारे थ्योरीज है, बट अगर मैं उनको इंक्लूड कर दूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो में मैंने सिर्फ 3 थ्योरीज के बारे में बताई है। एंड होप करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो मिलते किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।